Hello everyone and welcome to our channel Desi couple on the go जिसमें मैं मेघा और मैं सौरभ लेके जाते हैं आपको बहुत सारे places और आप देख रहे हैं हमारी Iceland की travel series और आज हम करने जा रहे हैं groceries shopping क्योंकि जैसे आपको पता ही होगा Iceland जो है वो बहुत expensive country है तो थोड़ा बहुत जो पैसा बचाना है वो हम बचा सकते हैं हमारे खाने पे तो इसलिए हम लोग जो ब्रेकफास्ट है और लंच है और डिनर है वो हम लोग कुक कर रहे हैं और बाहर रेस्टोरेंट्स में नहीं खा रहे हैं और इसके लिए हमें जाना पड़ेगा ग्रॉसरी शॉपिंग करने थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए तो हम लोगों ने वैसे अपार्टमेंट बुक किए हैं जहां पर किचन अवेलेबल है और इसलिए आज हम जाके शॉपिंग करेंगे एंड वी विल ऑल्सो टेक यू अलॉन्ग टू ग्रॉसरी शॉपिंग इन आइसलैंड और बताएंगे आपको कि यहाँ पर कितने प्राइजेस हैं हर चीज़ के जो भी हम लेंगे मिल्क लेंगे योगर्ट लेंगे और जो भी वेजिटेबल्स लेंगे उन सब के प्राइजेस आपको बताएंगे सो हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात जो है कि अगर हम जो यहाँ पे करेंसी चलती है वो चलती है क्रोनास आइसलैंडिक क्रोनास तो उसको अगर हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे और उसको अगर यूरो में कन्वर्ट करेंगे तो डिफरेंट प्राइजेस आएंगे तो 100 अगर आप INR लेके आते हैं तो आपको मिलेंगे यहाँ पर 170 आइसलैंडिक क्रोना और एक यूरो देगा आपको 150 आइसलैंडिक क्रोना तो ऐसे आप कर सकते हैं करेंसी कन्वर्जन तो चलते हैं आपको और इंडिविजुअल प्राइसेस बताएंगे क्रोनास में तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपको रुपीज़ में करना है या यूरो में करना है तो कितना प्राइस आएगा सो नाउ इट्स टाइम टू गो एंड डू सम ग्रॉसरी शॉपिंग लेट्स गो लेट्स गो ग्रॉसरी स्टोर का जो नाम है वो है ये क्रोनन और क्रोनन के बाजू में ही है डोमिनोज भी तो आप पिज़्ज़ा खा सकते हैं वैसे जैसा मैंने बोला है बेटर है कि कुकिंग करिए क्रोनन के अलावा भी यहाँ पे ग्रॉसरी शॉप्स हैं जैसे बोनस है आइसलैंड नाम से है तो इनसे भी शॉपिंग कर सकते हैं आप चेक कर सकते हैं कौन सा आपके पास है और फिर आके यहाँ पे ले सकते हैं सामान और जहाँ मैं हूँ वहीं पे है फ्यूल स्टेशन भी तो अपनी कार को रिफ्यूल कर सकते हैं ये N1 है तो आप अपने आप को भी रिचार्ज कर सकते हैं और अपनी कार को भी रिफ्यूल कर सकते हैं तो चलते हैं अंदर और वैसे तो ओपन स्पेस में आपको मास्क पहनने का ज़रूरत नहीं है यहाँ आइसलैंड में बट अंदर जा रहे हैं तो आपको पहनना पड़ेगा मास्क सो मास्क पहनते हैं और अंदर जाके शॉपिंग करते हैं आते से ही मिल गए हैं सबसे पहले बनानास और हमारे साथ किड है और उसे बनानास की ज़रूरत है तो सबसे पहले हम लोग बनानास ले रहे हैं और बनानास का प्राइस है 419 क्रोनास तो ये देखिए ऐसे छोटे छोटे वाले बनानास भी हैं हम लोगों ने थोड़ा बड़ा वाला बनाना लिया यहाँ से अब चलते हैं आगे और देखते हैं क्या और ले सकते हैं अनियन लेना है लेट्स सी अब ले रहे हैं ये प्याज अनियन तो ये जो अनियंस हैं ओह दैट्स कन्फ्यूजिंग यहाँ दो प्राइस लिखे हैं सबसे नीचे वाला है एग्जैक्टली तो 170 क्रोनास का है ये अनियन तो दो लिए हैं तो डबल हो जाएगा ये है आलू इस पूरे पैकेट में 1 kg के आलू हैं ये और प्राइस है 450 क्रोनास 449 और ले रहे हैं हम लोग ये एप्पल पिंक लेडी एप्पल ये नेदरलैंड्स में यही वाले ब्रांड के मिलते हैं और ये है 1 kg है अराउंड 699 मतलब 700 क्रोनास के ये हैं 1 kg के एप्पल और अच्छे होते हैं ये पिंक लेडी ब्रांड के मीठे ले रहे हैं ये ग्रेप्स ग्रीन और ब्लैक दोनों वाले अवेलेबल हैं मन ये वाला ज़्यादा मीठा रहता है हमेशा तो ये 500 ग्राम्स का है और इसका प्राइस है 1098 क्रोनास आप देख रहे हैं सब चीज़ें कितना एक्सपेंसिव है ऐसा नहीं है कि आप आइसलैंड में हैं तो आम नहीं मिलेंगे ये है आम और एक बहुत बड़े वाले आम भी हैं और ये ना वो वाले आम है शायद मुझे ज़्यादा आम का नॉलेज नहीं है अगर गलत हो तो आप बता दीजिएगा बट ऐसा लाल और ये वाला टाइप का आम है जिसे शायद तोतापरी बोलते हैं बट नहीं बोलते तो बता दीजिएगा बट ये जो आम है ये इंडिया से नहीं आए हैं मुझे लगा इंडिया से आए होंगे ये इसराइल से आए हैं इसराइल में भी आम उगते हैं इंटरेस्टिंग लिखा है फ्रॉम इसराइल तो ये जो छोटे वाले में तो पैकेट में लिखा हुआ है इसराइल और इन आम का प्राइस है जो बड़े वाले आम है 1 kg अगर आप लेते हैं तो 560 क्रोनास है अब बात करते हैं टोमेटोज़ की तो 6 टोमेटोज़ आए हैं तो हम दो ले रहे हैं तो प्राइस है इसका 796 फॉर द 6 पीसेस
और कुकुम्बर की बात करते हैं तो दिस इज़ कुकुम्बर, मतलब ककड़ी, और ये एक पीस है। ओ, दो प्राइजेज हैं, ये वाला लेंगे तो 360 का है और ये वाला लेंगे तो सस्ता है, 190 क्रोनास का है। हम ये वाला ले लेते हैं, सस्ता वाला। और ले रहे हैं ये लैट्यूस, और ये है 400 क्रोनास के। ये ज़रूरी है क्योंकि कुछ भी लीव्स खाएंगे नहीं ना तो बहुत दिक्कत हो जाता है स्टमक में, सो इसलिए ये। ऐसा लग रहा है पता नहीं पूरा घर का, पूरे महीने का शॉपिंग कर रहे हैं क्या, इतना सामान तो हम लेते नहीं हैं, बट बिकॉज वी आर 5 पीपल वी नीड इट। होपफुली सब खत्म हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। आप चाहें तो डोमिनोज में पिज़्ज़ा खा सकते हैं, बट अगर सस्ते में खाना है तो यहाँ से भी पिज़्ज़ा खरीद सकते हैं और अपने ओवन में गर्म कर सकते हैं, बट हम पिज़्ज़ा नहीं खाने वाले। अगर आप कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं मेरी तरह तो कॉर्नफ्लेक्स के सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं यूजुअली ये खा लेती हूँ, तो सौरभ ऑलरेडी लेके आ गया तो अभी नहीं ले रहे हैं, बट ये अगर आपको चाहिए के स्पेशल तो वो है 660 क्रोनास का। और इस तरफ देखेंगे तो यहाँ सारे बिस्किट्स के भी ऑप्शन हैं। हम लोग यूजुअली ये वाले बिस्किट्स खाते हैं, फर्स्ट डाइजेस्टर, और इसको सौरभ ऐसे जैसे पार्ले जी नहीं डुबोते हैं वैसे टाइप से चाय में डुबो लेते हैं बहुत सारे लोग, सौरभ भी कर लेता है, और वो करना है तो 157 क्रोनास के हैं ये वाले बिस्किट्स। ऑलरेडी ये भी हम खरीद चुके हैं आइसलैंड वाली शॉप से, 24/7 जो ओपन है, तो अभी ये भी नहीं खरीदेंगे। इंडिया में नहीं मिलते हैं लिटिल हार्ट्स करके बिस्किट, सेम है वही, सी लिटिल हार्ट्स, वी डोंट वॉन्ट इट नाउ, सो वी आर नॉट टेकिंग दिस एज वेल। हमें जो अब चाहिए वो है दूध, क्योंकि चाय भी चाहिए रहती है और मुझे दूध चाहिए रहता है और छोटी किट को भी दूध चाहिए रहता है, तो दूध लेना बहुत ज़रूरी है, तो उस सेक्शन में चलते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या हमें सॉल्ट और शुगर भी खरीद लेना चाहिए ग्रॉसरी शॉप से, तो 90% चांसेस होते हैं कि जिस अपार्टमेंट में आप रुके हैं वहाँ पे सॉल्ट और शुगर ऑलरेडी रखा रहता है तो आपको नहीं ज़रूरत पड़ेगी, बट अगर नहीं रखा है तो आप ख़रीद ही सकते हैं, और सॉल्ट शुगर अवेलेबल रहती ही है तो आप ख़रीद सकते हैं, बट यूजुअली तो रहता है। तो ये अगर शुगर आपको लेनी हो, जैसे यहाँ सब जगह रखी हुई है, तो ये जो शुगर है ये है 116 क्रोनास की, बट यूजुअली शुगर और सॉल्ट रहते हैं, तो एक बार चेक कर लीजिए, उसी के बाद खरीदिए। अब ले रहे हैं हम लोग चेडार चीज़, ये अमूल के स्लाइस जैसा रहता है, टेस्ट भी वैसा ही रहता है। दिस इज़ ऑल्सो फॉर द किड, 629 क्रोनास का है ये। अब लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो चाहिए, वो है मिल्क, और मिल्क दिखाती हूँ पहले। इसके अंदर ना स्पेशली ऐसा डी मार्क है क्योंकि इसमें विटामिन डी शायद ज़्यादा है। तो ये जो है एक पैकेट होल मिल्क है फुल फैट, 199 क्रोनास का, और ऐसे 5 पैकेट्स लेने वाले हम लोग, 5 कार्टन्स। और ये है योगर्ट, जो कि फ्लेवर्ड योगर्ट है, और ट्रैवल में चल रहे हो तब ये खाने में आसान रहता है तो ये ले लेते हैं। मैंगो भी है तो इट्स लाइक इट विल बी लाइक मैंगो लस्सी, तो दो ये ले लेते हैं और दो ये ले लेते हैं। आई गेस वी विल बी डन देन। और ये एक योगर्ट है 148 क्रोनास का, इट्स लाइक लस्सी एक्चुअली, मैंगो लस्सी, तो ये होगा डेजर्ट। और आलू तो ले लिया है तो एक दिन आलू का सब्जी बना लेंगे, और एक दिन ना आप ये कैसे कैंड छोले या कैंड जो ये राजमा है, बीन्स, बेक्ड बीन्स, ये ले सकते हैं। और ये पूरा बॉइल्ड ही है तो आपको कुकर वुकर का टेंशन नहीं रहेगा, आप जैसे इसे निकालिए अच्छे से, लेकिन वॉश कर लीजिएगा क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स हो सकते हैं, और उसके बाद फिर इसे खा सकते हैं। तो हम ले रहे हैं ये दो कैंड, और इसका प्राइस है 99 क्रोनास फॉर अगर छोले की बात करें तो, और अगर आप बीन्स ले रहे हैं तो 87 क्रोनास का है। तो ये दो ले हैं कि तीन, आई गेस तीन लेते हैं तो काम हो जाएगा। We are sorted. अब मैं आपको दिखाती हूँ सबसे अमेजिंग चीज, which is this passage to India, और जो गिर गया वो सबसे बेस्ट था, passage to India, और वेज करी बॉल, इसके अंदर है दाल, awesome ना।
पासेज टू इंडिया, रेडी टू हीट एंड ईट. बस इसे आप हीट करिए एंड इट्स रेडी. तो इसके अंदर कुछ नहीं है, दाल चावल है. इसमें लिखा है तड़का लेंटिल दाल विद बासमती राइस पुलाव. तो पुलाव है एंड इट विल लुक लाइक दिस. जैसे मैगी बनाना है ना वैसे बनाना है इसको. सुपर राइट. ऐसे ही और भी चीज़ें हैं. ये भी पैसेज टू इंडिया. इसमें कैशियो कोरमा विद बासमती राइस. एंड इसका प्राइस अगर आप सोच रहे हैं कि कितने का होगा तो ये है 499 यूरोस का. और ये आपको मिल रहा है. कैन यू इमेजिन कहाँ पे है इंडिया, कहाँ पे है आइसलैंड, वर्ल्ड के जस्ट दूसरे दूसरे कोने पे और वहाँ पे इंडिया का सामान मिल रहा है. पैसेज टू इंडिया. मसाले आप अपने घर से ही लेकर आइए, सारे स्पाइसेस जो भी आपको चाहिए. बट बाई चांस भी आप भूल जाते हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, टिक्का मसाला. तो आप सब्जी में ये डाल लीजिए तो भी आपका काम चल जाएगा. और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है विच इज़ पापड़. तो इसके अंदर ना पापड़ रखे हुए हैं तो आप पापड़ भी ले सकते हैं. तो इस सेक्शन में काफ़ी कुछ ना इंडिया का सामान रखा हुआ है. जैसे ये मद्रास स्पाइस पेस्ट, ये भी यूज़ कर सकते हैं. ये बहुत ना लेकर तीखा होता है, बहुत मिर्ची रहती है. बट दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि हम ये डाल सकें. सो या सबसे बेस्ट तो था पैसेज टू इंडिया. कैन यू इमेजिन, मैं तो उसी को देख के अभी तक लग रहा है कि यार इंडिया का सामान आइसलैंड में मिल रहा है. कौन भेज रहा है इंडिया से इसे, या कौन बना रहा है आइसलैंड में इस चीज़ को. नाइस. नेदरलैंड्स में नहीं है ये चीज़. हाँ लेट्स गो. हाँ दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को बताने की वो है ये. तो ये देखिए वेजिटेबल फ्लेवर्ड नूडल्स मिलते हैं. तो हमारे पास तो अभी थेपले हैं तो लंच हमारा सॉर्टेड ही रहता है. बट अगर नहीं हो तो ये लेना चाहिए. इसमें गर्म पानी डालिए और मस्त कप नूडल्स खाइए. दिस इज़ ऑल्सो गुड ट्रैवल कंपेनियन आइसलैंड में. और इसका प्राइस है 129 यूरोस. मैंने उल्टा रख दिया बट उल्टा भी रख सकते हैं. हाँ तो इसका प्राइस है 129 नॉट यूरोस क्रोनास. इसका प्राइस है 129 क्रोनास. और वेजिटेरियन है तो आप खा सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन हो. बाकी नहीं है तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं. छोले खाएंगे, सब्जी बनाएंगे तो वो खाएंगे किस में, इसमें राइस में. और बासमती राइस है, ये 1 kg का राइस है. और ये है 529 क्रोनास का. और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं बट हम थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे. स्टिकी राइस ना हो क्योंकि स्टिकी राइस नहीं चाहिए. उससे सब्जी अपनी देसी सब्जियाँ अच्छी नहीं लगती हैं. तो ये लिया है बासमती राइस और बता ही दिया है प्राइस 529 क्रोनास का है. 1 kg पैकेट. 1 kg आई थिंक इज़ इनफ फॉर पीपल क्योंकि थेपले तो हैं ही, उससे भी खा सकते हैं. एक चीज़ जो हम भूल रहे थे और लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं थी वो ये थी कि ये सब सब्जियाँ हम बनाएंगे किस में. तो वो बनाना है ऑयल में और ऑयल ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव है और पूरा वेस्ट होगा. बट सबसे जो बेस्ट ये है, ये ऑयल मिल रहा है सनफ्लावर ऑयल है 1 liter और ये है 469 क्रोनास का. दिस इज़ द ऑयल वी आर टेकिंग. बट आई नो ये पूरा फुल वेस्ट होगा तो जिस अपार्टमेंट में हम रुकेंगे ना वहीं छोड़ देंगे तो नेक्स्ट बंदे के काम आएगा. वैसे कई बार ना ऐसा होता है अपार्टमेंट में आपको ऑयल मिल जाता है तो आप चेक कर लीजिएगा. हमारे अपार्टमेंट में नहीं है. सैड फॉर अस. सब्जी तो आप बना सकते हैं बट अगर आपको फटाफट वाला कुकिंग करना है ना तो पास्ता भी मुझे बहुत अच्छा ऑप्शन लगता है. सो यू कैन बाय पास्ता. पेने पास्ता इज़ द बेस्ट वन. तो ये अगर पेने पास्ता लेते हैं, छोटा सा पैकेट है, ये है अराउंड 500 ग्राम्स का, 450 ग्राम्स का एक्चुअली. और ये है 569 क्रोनास का. थोड़ा एक्सपेंसिव है बट दिस इज़ व्हाट वी कैन टेक. और इसके लिए साथ में ऐसे पास्ता सॉस रखे रहते हैं तो बस दोनों को मिक्स करिए और आपका डिनर रेडी. बहुत ही इजी बनता है. और अगर आपको पास्ता लेना है, सॉस लेना है, जैसे अगर ये वाला लेते हैं ये 2 bar में आराम से चलता है. सो दिस इज़ 379 क्रोना, 680 ग्राम्स का ये बॉटल है. और ये ब्रेड ले रहे हैं, 1 kg ब्रेड है ये, 430 क्रोनास की. तो ब्रेकफास्ट भी सॉर्टेड आउट है. इट्स टाइम नाउ टू पे. और खुद ही पे करना है यहाँ पर, सारे अपने स्कैन कर करके वी हैव टू टेक इट. दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. यस आ गया. हो 430 क्रोनास का नहीं था, 350 क्रोनास का. ये ब्रेड सस्ता निकला. अब बात करते हैं प्राइस की.
तो प्राइस आया है 8489 क्रोनास का, तो लिख दिया है और कन्वर्जन भी बता दिया है आपको INR में भी और यूरोज में भी। ये आपको लग सकता है एक्सपेंसिव हो, बट ये हमारे पूरे 4-5 दिन का खाना है फॉर 5 पीपल, सो इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट। और चाहते हैं और जल्दी से अब ट्रांसफ़र करते हैं, पॉलिथिन नहीं लिया हम लोगों ने, तो अब ट्रांसफ़र करते हैं। कर ली है ग्रॉसरी शॉपिंग, प्राइस भी आपको बता दिया है। आइसलैंड आए तो ग्रॉसरी शॉपिंग ज़रूर करें, क्योंकि इससे पैसे बच जाएंगे इंस्टेड ऑफ ईटिंग एट एनी रेस्टोरेंट। और यहाँ से किया था क्रोनन से, और भी आपको मैंने शॉपिंग के जो स्टोर्स हैं उसके नाम बता दिए हैं, प्राइस भी आपको बता दिया है। एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि जो यहाँ के ग्रॉसरी स्टोर्स हैं ना, वो सुबह 9 बजे खुलते हैं और 8 बजे बंद हो जाते हैं। तो आपका जो भी फ़्लाइट का टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप जब यहाँ लैंड करें तो ये सारे शॉप्स बंद हो, जैसे हमारे साथ हो गया था कि हम यहाँ आए और तब तक सारे ग्रॉसरी स्टोर्स बंद हो गए थे। तो या तो आप थोड़ा बहुत सामान खुद ही पैक करके लाइए, या फिर एयरपोर्ट में अगर खुला हुआ मिल जाए तो वहाँ से ले लीजिए, बट वो भी थोड़ा रिस्की हो सकता है। सो इतना प्लान ज़रूर करके आइए। हम अब ऑल सॉर्टेड है, पूरा हमने हमारी गाड़ी का डिक्की पूरा उसको भर लिया है, तो 4-5 डेज के लिए वी आर ऑल डन। तो ये था ग्रॉसरी शॉपिंग इन आइसलैंड। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, महंगा लगा क्या वो भी बताइएगा, कि यू आर लाइक हाँ मेघा आइसलैंड है और आइलैंड है, इतना दूर है तो इतना तो होना ही था। व्हाट डू यू थिंक ऑफ द प्राइसेस हियर, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपको हमारी इटली की इटली चल रहा है अभी भी, आइसलैंड का ट्रैवल सीरीज कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।